दुर्गाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटव वध का प्रसंग सुनाना। प्रथम चरित्र के ब्रह्म ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़क, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परीख, शूल, भुक्षुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वो समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वो 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडे जी बोले, सूर्य को पुत्र सावर्णी, जो कि 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वो प्रजा का अपने और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता था। तो भी उस समय कोला विंध्यवासी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विंध्यवासी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वो युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से जब उनका अधिकार जाता रहा किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। वो उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे, फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की रक्षा करने वाला और शूरवीर था वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन, भोजन पाने के लिए मेरे पीछे पीछे चलते थे वो निश्चय ही अब दूसरे राजा का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वो खजाना खाली हो जाएगा। ऐसी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा,
भाई तुम कौन हो? तुम्हारे आने का यहाँ क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का प्रेम पूर्वक कहा हुआ ये वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय स्त्री धन और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मुझसे मेरा धन छीनकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहाँ आकर मैं ये नहीं जानता कि मेरे पुत्र स्त्री कुशल हैं या नहीं। वो इस समय कुशलता से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है? वो मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वो सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग तिलांजलि दे मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे मन में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को भी जानकर नहीं जान पाता। इसीलिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वो समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायपूर्ण विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात राजा और वैश्य ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मुझे बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि अब वो मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे अब उसके लिए दुख होता है, ये क्या है? इधर ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति हृदय में अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार ये और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी ये मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वो ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी ऐसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है।
दोनों में कई बातें प्राय समान होती हैं। समझ के कारण ही उन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वो संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वो भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। भगवती प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वो देवी कौन है? ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, इन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने विश्व को व्याप्त रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वो मुझसे सुनो, यद्यपि वो नित्य और अजन्मा है तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ नाम से विख्यात हुए। वो दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपने पास पाया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्ही देवी, स्वाहाय तुम्ही स्वधा और तुम्ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, वे भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम से ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय
तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति को भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जाए, पुष्टिये, तुष्टिये, शांति और श्रमा तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुक्षुंडी और परीघ ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। पर और ऊपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी कहीं भी सत असत जो भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। जब तुम भगवान को निद्रा के अधीन कर सकती हो तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर और विष्णु जी को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जल्द ही जगा दो। साथ ही इनमें इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वो भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर स्वामी भगवान एकार्णव के जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वो दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसीलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस मैंने इतना सा ही वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार वो धोखे में आ गए। उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखकर तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत
देवी महात्म्य में मधु कैठव वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ।